जब भी हम आते हैं तो एक मूवी है थ्री इडियट्स, उसका याद आ जाता है। तो मतलब कुछ आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, रैगिंग एंड ऑल? लोगों से बात किए यहाँ के बारे में तो पता चला ये 500 एकड़ का ये कैंपस है, बहुत बड़ा है। अभी वो पुष्पा देखा आपने? हाँ हाँ, हम तो कैसा लगा? हम तो तेलुगु में ही देख लिया। एडवांस लैब, सिर्फ लैब ही लैब है यहाँ पर, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है नीचे का। और ये भाई साहब ला है खाना, क्या नाम है आपके? प्रकाश। आपका नाम प्रकाश, और आपका जो वो वहाँ पर वो शॉप है वो आर्या फूड सर्विस। आर्या फूड सर्विसेज, ओके। देखने में तो काफ़ी टेस्टी है, खा के हम बताते हैं जो भी हो पाया। ये कोऑर्डिनेटर थे यहाँ पे, हम दोनों का बहुत मेहनत हुआ और फाइनली आज सक्सेस देख के अच्छा लग रहा है। नहीं, काफ़ी बार फाइल वापस आया मेरे पास, फिर हम इनको भेजे, फिर ये हमको भेजे। 3, 2, 1 KK व्लॉग्स, ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि हम अभी जा रहे हैं पटना के IIT, जो कि बेटा में सिचुएटेड है और यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। तो एक छोटा सा रोड ट्रिप भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोग को पटना IIT घुमाते भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेक लिए थे और अब यहाँ से बस 10 किलोमीटर ही दूर है IIT, और अब थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं। एडमिशन लेने तो बिल्कुल ही नहीं, आई डोंट स्टडी IIT, IIT स्टडी मी। सो खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, चलते हैं आगे और फिर आपको और दिखाते हैं कि आगे कैसा है कैंपस। अभी आप लोग देख सकते हैं बेहटा में पिछले आधे घंटे से हम जाम में फंसे हुए पहुंच गए थे बहुत जल्दी, रोड खाली था, लेकिन यहाँ आने के बाद शहर में बहुत कंजस्टेड है यहाँ का शहर। पहुंच तो गए हैं लेकिन ब्लॉक 3 हमको मिल नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरफ है, पीछे की तरफ, कुछ लोग बोल रहे हैं आगे है। चलिए, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट है कि शायद यहीं पे होगा, कोई इंसान भी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक जिसे कुछ पूछ भी पाए कि कहाँ पे है ब्लॉक 3। कैंपस भी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे फ्लोर्स में बटा हुआ है और अच्छा है, देखने में भी कैंपस अच्छा है यहाँ का। ब्लॉक 3 फाइनली मिल गया और अभी जा रहे हैं ऊपर, अभिषेक जी से मिलते हैं। लिफ्ट में आ गए, अभी मेरा डायरेक्टर सर से यहाँ पे मीटिंग हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनको प्रोजेक्ट मेरा अच्छा लगा और साथ ही में अभी फ्लाई करने का भी परमिशन मिल गया है यहाँ पे। तो IIT में भी आप लोगों को फ्लाई करके दिखाते हैं पूरा अच्छे से ये कैंपस कैसा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म I'm
समाज की, ये है कथा कल आज की। परिवर्तनों की पुकार है, गंगा की धार बिहार है, गौरव अपार बिहार है। सत्ता के कितने है, गंगा की धार बिहार है। अभी हमारा ड्रोन कैमरा चार्ज हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा कैंपस घूम रहे हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नेस्कैफे आ गए हैं, ये कैंटीन है यहाँ का। बस उसे थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, चार्ज अप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अच्छे से फ्लाई करेंगे। लोगों से बात की है यहाँ के बारे में तो पता चला ये 500 एकड़ का ये कैंपस है, मतलब बहुत बड़ा है। पता नहीं ड्रोन में कैसे हम उसको कवर कर भी पाएंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा कैंपस है यहाँ का और बहुत सुंदर भी है। खैर फिलहाल हम इसको यहाँ रख देते हैं और हम अपना मज़ा लेते हैं कॉफ़ी का। ये हमारे अभिषेक जी हैं और इन्हीं के कारण हम लोग का जो भी हो पाया, ये कोऑर्डिनेटर थे यहाँ पे। हम दोनों का बहुत मेहनत हुआ और फाइनली आज सक्सेस देख के अच्छा लग रहा है। नहीं, काफ़ी बार फाइल वापस आया मेरे पास, फिर हम इनको भेजे, फिर ये हमको भेजे, बट फाइनली आज ये काम क्या 70% तो हो गया अभिषेक जी? यस 70% हो गया है। चले वीडियो आप देखिएगा, ठीक है? हम पूरा कैंपस भी घुमाए हैं और अपने पर से जितना हम सोच सकते हैं। कैंपस का बनाया है? हाँ, हल्का बना लिए हैं। अब अभी कैंटीन, अभी कैंटीन जाने के रास्ते में थोड़ा रेस्ट लिया है, बहुत दूर रहता है यहाँ पे, पैदल चल के जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ की अब आप लोगों को बताइए कि 500 एकर्स में बना हुआ है ये, तो बहुत बड़ा है। और पता नहीं एक जगह दूसरा है, एक मोहल्ला कुछ और है, दूसरा मोहल्ला कहीं और है, बहुत बड़ा है। और अभी हम रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट लेते हैं फिर जाते हैं कैंटीन कुछ खाते हैं। अभी फाइनली हम लोग को यहाँ के स्टूडेंट मिल गए हैं। आप लोग कौन सी ईयर में? अच्छा, PhD फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है। फाइनली ये भाई लोग बता रहे हैं कि कैंटीन कहाँ है, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है कि हम तो 2-3 बार इधर उधर अभी हो लिए थे, लेकिन वो कैंटीन नहीं मिल रहा था। अब ये लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं वहाँ पे है। आप लोग को आइडिया है कि अभी YouTube का एक वीडियो आप लोग के कॉलेज में बनने वाला है, कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं? आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं? कौन है आप लोग फेवरेट यूट्यूबर? बीबी की वाइंस। ओके, एक गाड़ी अभी यहाँ से गया था। और आपको सर, आप देखते हैं, आपको कौन सा, आपको कौन सा पसंद है? इसलिए हम जहाँ तक टेक्निकल देखेंगे, टेक एंड टेक। ओके, और आप? मैं ज़्यादा वेब सीरीज देखता हूँ। अच्छा, वेब सीरीज। अभी वो पुष्पा देखा आपने? हाँ हाँ, हम तो कैसा लगा? हम तो तेलुगु में ही देखी है पुष्पा, है ना? ओके, आप वहाँ साउथ से ही? ओके, यहाँ साउथ से भी। अच्छा, आप साउथ समझ में आ गया? अरे वाह। और आप देखिए, चलिए भाई लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो ये हम लोग के कुछ भाई थे कि अभी PhD कर रहे हैं यहाँ IIT से। कैंटीन का पता तो हमको मिल गया है, जाते हैं देखते हैं खाने को कुछ मिल जाए, फिर आप लोग से बातचीत आगे करते रहेंगे। फाइनली कैंटीन जो है यहाँ का वो मिल गया हमको, बस देखना है खाने में क्या क्या मिलता है, कुछ भी काम लायक मिल जाए। ATM भी है यहाँ पे, जो आप लोग देख पा रहे हैं, जाते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये भाई साहब लाए हैं खाना, क्या नाम है आपके? प्रकाश। आपका नाम प्रकाश, और आपका जो वो वहाँ पे वो शॉप है वो? आर्या फूड सर्विसेज। ओके, देखने में तो काफ़ी टेस्टी है, खा के हम बताते हैं खाना। एक थम्सअप दे दीजिएगा छोटा वाला। तो ये देख लीजिए आप लोग, खाना आया है, ये 140 का है। और रोटी का दाम हमको पता नहीं है, मेरे लिए बेस्ट खाना यही होता है रोटी और चिकन। खाते हैं जल्दी से और फिर आप लोग से बात करते हैं। हाँ भाई, प्रकाश का अभी 2 रोटी खाया है, थोड़ा सा पावर भी आ गया, खाना बहुत अच्छा खिला है प्रकाश, तो IIT का खाना भी अच्छा। बस बस, यहाँ कुछ फ्रेंडली डॉग्स हैं जो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, इन लोग को भी खाना देंगे अभी। अब मैं थोड़ा खुद खा लें,
भूख बहुत तेज की लगी हुई है। यहाँ पे IIT में कुछ और हम लोग दोस्त मिल गए, नाम बता दीजिए भाई। अजय जी। सुरेश। आप लोग कौन से ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है ना। आप लोग कौन सा फील्ड है, स्ट्रीम कौन सा है? मतलब मैकेनिकल। IIT जब भी हम आते हैं तो एक मूवी है थ्री इडियट्स, उसका याद आ जाता है। तो मतलब कुछ आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, रैगिंग या नॉट ऐसे कुछ भी ऐसे आपके नहीं बोले? वो मूवी में एग्जैगरेट करके दिखा दिया। वैसे हम साउथ से हैं। जब साउथ, कौन से स्टेट से आप? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। ओके। और अभी आप लोग डाइवर्सिटी होता है सब, इंडिया के सारे तरीके के सारे बच्चे आकर के यहाँ पे आपस में मिल जुल के रहते हैं, राइट? यूट्यूब देखते हैं आप लोग? यूट्यूब कौन सा आप लोग का फेवरेट यूट्यूबर है? यूट्यूबर कैरी मिनाटी है। और आपको कौन सा फेवरेट है सर? अच्छा, पबजी का देखते हैं। वो डायनोमो और एक और है ना, वो मॉर्टल। और आपका सर, आप थोड़ा फ्रेम में आ भी नहीं रहे हैं। ये एकदम टिपिकल एक IITian लग रहे हैं नहीं, थोड़ा शांत बैठने वाले, पढ़ाई लिखाई करने वाले, हर टाइप के लोग मिलते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। अच्छा लगा आप लोग से मिलकर भी, आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मस्ती मजाक और करते हैं। टेक योर ब्लॉग्स। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इन्जॉय करिए। और प्रकाश भाई, खाना तो बहुत बढ़िया था आपका, कितना हो गया बिल बताइए? टेस्ट हम जैसा आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा है प्रकाश का, अच्छा बनाया है काफ़ी स्पाइसी, हम बोले थे स्पाइसी करके दिया। हाँ, 208 रुपये में आप अच्छे से फुल चमक यहाँ पे आकर के खा सकते हैं। खैर, गोल पे लेते हैं ना। तो अभी हम खाना पीना सब खा लिए कैंटीन में, कुछ लोगों से बात भी की है। पीछे एक बिल्डिंग दिख रहा है बहुत बड़ा, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला बिल्डिंग, पता नहीं क्या है लेकिन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सीधा हम रश करते हैं अपने IIT विंग में और वहाँ पे जा करके जल्दी जल्दी ड्रोन अप्लाई करके आप लोग को दिखाते हैं। फिर अभी 1 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। चलिए, आगे मिलते हैं आप लोग से। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक लैब में हैं और अपना ड्रोन हम लोग सेटअप कर रहे हैं। मेरे साथ हैं एक सर यहाँ रवि जी हैं और अनुराग जी, आप लोग तीनों मिलकर अभी इसको सेटअप कर रहे हैं, चार्जिंग वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं ड्रोन का, फ्लाइट करके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा है क्या। अभी निकल गए हैं IIT से, वापस पटना जा रहे हैं। जितना हम असिस्ट कर सकते थे उतना उन लोगों को कर दिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।